में। अच्छा गावत, मारू मैं तेरे को, किधर तू पकड़ा जाता तो हा? बोला था ना सावधानी बरतना। अरे हम ये चुप भुक्कड़। वरना मैं सबको बता दूंगी। मैंने तो आपको डरा दिया था। मैंने तो आप लोगों को अंदर आते हुए कब का देख लिया था। देखो तो क्या लाई हूँ मैं आप दोनों के लिए। ओह भाई खाना। देख कितना ख्याल रखती है तेरी बेटी। तू बोले तो तू इच मेरा असली फिक्स डिपॉजिट ही रिया। शपथ। एकदम मेरा खरा सोना है तू। ताई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप लोग यहाँ पे ठहरे हो। जितने दिन रहना है रह लीजिए। अच्छा एक बात बता, वो तेरे कार्तिक मामू है वो घर वापस आ गए क्या? आते ही तो कुछ क्या होगा ना उनके साथ। ये चल, जितना पूछ रहे हो उतना ही जवाब दे। आया है क्या वो? आए तो थे। जब मैं उसके कमरे में गई थी तो मेरे को तो अपने कमरे में नहीं दिखाई दिया। अच्छा तो ये बात है। अब समझ में आई कि सुरभि मामी अचानक जल्दी जल्दी घंटों पहले घर से बाहर क्यों निकली थी। मतलब मामू और मामी बिना खुशी को बताए एक साथ डेट पर गए होंगे, वो भी सबसे झूठ बोलकर। तू जा। इधर तेरी माँ को शक हो गया तो ऐसे तांडव शुरू कर देगी वो। चल भाग। चलो सासू माँ भोजन ग्रहण करते हैं। हेमा छोड़ दे, पुलिस को फोन लगा। सिद्धार्थ लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो। रोशनी यश ही जोकर। लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? पर मां साहब हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं मां साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।